गुड मॉर्निंग क्लास 7 एंड 8 लेक्चर नंबर 5 कम टू द बुक प्लीज बुक पेज नंबर 120 पर बच्चे आपके पास द फार्मूला ऑफ क्यूब द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फार्मूला ऑफ क्यूब्स आपके पास क्यूब का फार्मूला है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब और इसी तरह माइनस का फार्मूला भी आपके पास ये है ठीक है अब इसकी वेरिफिकेशन कैसे की है इन्होंने वेरिफिकेशन है आपके पास a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर एज वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर सो आपने इसको इसके साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करके देखना है पहले a को सारे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के साथ और फिर देन ab को आपने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के साथ ये हॉरिजेंटल मल्टीप्लीकेशन ऑफ वे है ठीक है इसमें आपके पास लास्ट में देखिए क्या आया ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब और अगर हम इस दोनों में से 3a² b और 3ab² में से 3ab कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ये आता है और सेम इसी मेथड से आपके पास माइनस का भी फॉर्मूला है ठीक है प्लीज़ कम टू द एक्सरसाइज 6.3 एट पेज नंबर 122 फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग पहला है आपके पास 3x प्लस 4 सो टेकिंग क्यूब यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² ठीक है फिर उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू क्यूब फार्मूला जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर 3x लगाया और जहाँ पर b है वहाँ पर 4 लगाया सो 3x का होल क्यूब प्लस 4 का होल क्यूब प्लस 3 × 3x का स्क्वायर 4 प्लस 3 × 3x 4 का स्क्वायर सो 3 को 3 टाइम्स करें 27x³ 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 64 आ जाएगा देन उसके बाद आपने स्क्वायर के फॉर्मूले से यानी 3 × 3 = 9x² यानी 2 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई किया और 4 × 4 = 16 आ गया देन इन सब को आपने आपस में मल्टीप्लाई किया तो 27x³ 64 प्लस 108x² प्लस 144x इसका आंसर ठीक है देन क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस 1 ओवर x इसका भी हमने क्यूब फाइंड करना है सो टेकिंग क्यूब क्यूब का माइनस का फार्मूला है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² अकॉर्डिंग टू क्यूब फार्मूला जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर आपने x लगा दिया और जहाँ जहाँ पर b है वहाँ पर आपने 1 ओवर x लगा दिया ठीक है फिर पॉसिबल कटिंग हमने की जैसे कि यहाँ पर x² 1/x और x 1/x² की वहाँ पर हमने इसकी पॉसिबल कटिंग कर ली लास्ट में हमारे पास बचता है x³ माइनस 1 ओवर x³ माइनस 3x प्लस 3/x और इन दोनों में से हमने 3 कॉमन ले लिया देन वी हैव द आंसर x³ माइनस 1 ओवर x³ माइनस 3 × x माइनस 1 ओवर x इसका पार्ट 2, 4 and 5 is your homework. Okay, thank you.